चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस सभा के अध्यक्ष जी और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, नौजवान साथी जैन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, प्रदेश पार्टी के जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह जी, जिलाध्यक्ष लोक दल मतलब गौर जी, रफीक अंसारी जी, राजेंद्र शर्मा जी, राजपाल सैनी जी, पूर्व सांसद हरिंदर मलिक जी, सुधीर पवार जी, प्रमोद त्यागी जी, शाहिद मंजूर साहब पूर्व मंत्री जी, अतुल प्रधान जी, सैयद सिद्दीकी साहब, आदिल चौधरी जी, त्रिलोक त्यागी जी, बड़ी संख्या में यहां पर मंच पर नेता हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के आरएलडी के सभी हमारे सम्मानित नेतागण। और इस सभा में मैं देख रहा हूं दूर दूर तक बड़ी संख्या में दोनों दल के हमें नेता कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित किसान भाई, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहने और पत्रकार बंधुओं, ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये बुलडोजर वाले अपने बुल को नहीं संभाल पा रहे हैं, लोगों के खेत चौपट हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं। आज सरकार जिस रास्ते पर है, जो रास्ता अपनाया है सरकार ने, वो भेदभाव की राजनीति कर रहे हैं। और जिस समय इनके पास मुद्दे नहीं हैं, ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं और हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं, समय समय पर हमारे आपके बीच में खाई पैदा करते हैं। और याद रखना जो हमारे और आपके बीच में जो पैदा करे खाई, समझ लेना वही है भाजपाई, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और अगर भाईचारे के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी आरएलडी भाईचारे को मजबूत करने के लिए खड़े हैं, जहां किसान की खुशहाली हो। यहीं पर प्रधानमंत्री आए, यहीं पर मुख्यमंत्री आए, बताओ किसानों का गन्ने का बकाया है कि नहीं बकाया है? आज भी बकाया है। हम अपने किसानों को कह करके जा रहे हैं,
मुझे याद है वो समय जिस समय किसानों के ऊपर संकट आ गया और चीनी मिल पैसा नहीं दे पा रहे थे, उस समय पहली बार उत्तर प्रदेश ने, समाजवादी सरकार ने अपने बजट से पैसा दे करके किसानों का भुगतान कराने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं समाजवादी सरकार बनेगी तो किसानों के मदद के लिए और किसानों का बकाया न बच रहे उसके लिए अगर अलग से भी बजट दे करके किसानों के लिए एक फंड तैयार करना पड़ेगा तो हम लोग मिल करके करेंगे, जिससे किसानों का बकाया पैसा न रहे। सरकार अगर भुगतान कर सके तो सरकार भुगतान करेगी। लोग किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते, समाजवादी लोग सब रंग मिला करके एक रंग बिरंगा गुलदस्ता बना रहे हैं और वहीं दूसरे लोग हैं वो एक रंगी लोग हैं। एक रंग वाले लोग कभी किसी के जीवन में खुशहाली नहीं ला सकते। बताओ खुशहाली ला पाएंगे एक रंग वाले? और अब तो बाबा मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, बताओ जाने वाले ही है सरकार के नहीं जाने वाले? इन्होंने 4.5 साल में डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। ये डबल इंजन की सरकार के इंजन फेल हैं और कभी कभी तो लगता है कि इंजन दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार को हटा देना, यही निवेदन अपील करने आया हूं। मैं जैन जी को बहुत बधाई देता हूं, पार्टी के इनके सभी कार्यकर्ता नेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कमजोर और बच्चा है